फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार न्यूज़ टुडे नेटवर्क की तरफ से और हमारे स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत, श्री ऐश्वर्य वर्मा जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज में चौथी रैंक हासिल की है। तो उनसे जानते हैं उनकी विशेष उपलब्धि के बारे में, क्या उनके संघर्ष रहे और किस तरह उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था IAS बनने तक का, तो इसमें क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो UPSC काफ़ी लॉन्ग एंड टायरसम जर्नी है, तो इतने टाइम तक टिके रहना ही अपने आप में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो इस बीच जो मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, उसी की वजह से मैं इतने लंबे टाइम तक था। तो ये अपने आप में काफ़ी संघर्षपूर्ण जर्नी थी मेरे लिए। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, इसके पहले 3 अटैम्प्ट में मुझे फेलियर देखने को मिला था। तो उन चीज़ों से सीखना और फिर अगले अटैम्प्ट के लिए तैयारी करना, तो ये थोड़ा सा इसके लिए मोटिवेशन चाहिए था, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार। तो कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए था, क्योंकि पहले 3 अटैम्प्ट्स ऐश्वर्य जी दे चुके थे और वहाँ स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ रहे थे। तो फाइनली अपने गोल को अचीव इसीलिए कर पाए क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई भी बच्चा इस तरह के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ऐश्वर्य जी, आप ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन किस तरह की? सर, मैंने अपने फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरीके से तैयारी करनी है। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ पर मैंने गाइडेंस लिया था कि कैसे मैं इस की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं 1 साल के बाद घर आ गया था, और तब से लेकर 3 साल तक मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी। और जो मुझे सिखाया गया, जो मेरे टीचर्स ने मेरी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करी, उन्हीं चीज़ों पे बिल्डअप किया, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, और स्टेप बाय स्टेप, जैसा आपने बोला, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। ऐश्वर्य जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले 1 साल दिल्ली में तैयारी की, उसके बाद आप बरेली वापस आ गए, तो उसकी क्या वजह रही? सर, मैं समझता हूँ कि जो कोचिंग आपको देती है वो आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकती है, स्पेशली UPSC जैसी जर्नी में, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी काम बच्चे को खुद करना पड़ता है। तो बस एक बार वो जो इनिशियल गाइडेंस है, अगर वो आपको मिल गई, जो कि कोचिंग की जगह कोई अगर आपका सीनियर भी है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है, उसके बाद आपको खुद बिल्डअप करना है। तो मुझे उसके बाद दिल्ली में रुकने की कोई खास वजह नज़र नहीं आई। और घर में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत कंड्यूसिव माहौल दे रखा था पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने घर आना ज़्यादा ज़रूरी समझा और फिर घर में रह के ही तैयारी करी उसके बाद। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर आप दिल्ली में लगातार कोचिंग में अगर रहते तो वहाँ डिस्ट्रिक्शन होता है या कंसंट्रेशन करने की वजह से आप बरेली आए? सर, मेरे लिए ये वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा कंड्यूसिव था। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे मेरी प्रिपरेशन को लेके, तो मुझे यहाँ वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा कंड्यूसिव लगा। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि दिल्ली ज़्यादा कंड्यूसिव रहे, तो इट इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट एंड योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द सेम। तो इसमें प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस होता है कि वहाँ, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ जाके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कहीं और कम होते हैं, आपका क्या मानना है? सर, मैं ऐसा नहीं मानता। ये टोटली आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कैसे आपने कवर किया है। मैंने कई रिमोट एरिया से देखे जो बच्चों ने काफ़ी अच्छे रैंक लाए हैं, और उनसे कई बार हम मोटिवेट भी हुए उनको देखकर। तो ऐसे प्लेस का कोई लेना देना नहीं है इससे, ऑल्दो क्योंकि दिल्ली में आपको कई सारे कॉम्पिटिटर्स मिल जाते हैं, तो अपने आपको पुश करने की क्षमता बढ़ जाती है। मगर अगर आप वो काम अपने घर पर खुद भी कर सकें, तो भी मेरे हिसाब से जो जितनी मेहनत करेगा इस एग्ज़ाम में वो उतना प्रोडक्टिव रहेगा। तो इसमें 3 फेज होते हैं, जैसा सिविल सर्विसेज में आपने बताया कि प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, देन इंटरव्यू है। तो उसमें सबसे ज़्यादा टफ आपको क्या लगा? सर, तीनों स्टेजेस की अपनी एक अलग अलग कैरेक्टर है कि किसको कैसे प्रिपेयर करना है, और तीनों डिफरेंट गेम है, तो आपको तीनों आने चाहिए। जैसे मैं पहले अटैम्प्ट की बात करूँ, तो मैंने प्रीलिम्स को उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस नहीं किया, तो मैं प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाया। लेकिन ये गलती मैंने बाकी के अटैम्प्ट में नहीं करी, तो प्रीलिम्स मेरा ईजिली क्वालीफाई हुआ बचे हुए 3 अटैम्प्ट में। तो ऐसे ही हर स्टेज का एक अपना कैरेक्टर है, बट स्टिल सर मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स आजकल थोड़ा डाइसी होता जा रहा है, थोड़ा लक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। मेंस के केस में मैं कहूँगा कि आपने जितनी मेहनत कर रखी है, जितना प्रैक्टिस कर रखी है, उतना फ़ायदा होगा। और इंटरव्यू पर्सनैलिटी का गेम है, वो जो चीज़ मेंस में नज़र नहीं आएगी वो आपको पर्सनैलिटी में नज़र आ जाती है। तो ये हर बच्चे के लिए कोई ना कोई स्टेज डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर मैं पर्सनली मानूँ तो मेरे लिए प्रीलिम्स काफ़ी स्केरी रहता था। जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू
पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो आपने उसकी कैसे कोई स्पेशल तैयारी की? क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है जब एक्सपर्ट्स के सामने जाकर बैठते हैं, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना और फिर सवालों के जवाब देना, तो कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया आपने उसकी? सर स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं, जनरली हमारे ये कहा जाता है कि दे आर जस्ट योर एल्डर्स एंड यू हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, दे आर देयर टू नो यू. तो मेरी भी यही अप्रोच थी कि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर दूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स उनको बता सकूं कि मैं किस तरीके का पर्सन हूं. तो मेरा यही टारगेट था कि बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत हम्बल वे में जो पूछा जाए मेरे से उसका अच्छे से आंसर करूं. तो कोई स्पेशल सवाल जो आपको मेंस में पूछ इंटरव्यू में पूछा गया ब्रदर? सर मेरे से इंदौर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदौर काफ़ी क्लीन सिटी रही है पिछले 5 साल से, तो उसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी जगह पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहाँ पर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिला. तो आपका सब्जेक्ट क्या था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में? सर मैंने ज्योग्राफी लिया था. तो आपने बीटेक किया है जैसे आपने बताया, तो बीटेक के बाद ज्योग्राफी क्यों चूज किया? सर बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल से किया और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ले सकता था, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो भी और मेरी कमांड भी अच्छी थी उसमें. पर ज्योग्राफी लेने का मेरा सोल रीज़न ये था कि ज्योग्राफी का थोड़ा ओवरलैप GS1 और GS3 पेपर के साथ होता है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों प्रिपरेशन जब एक साथ क्लब की जा सकती है और कम टाइम में बेटर तरीके से रिवाइज किया जा सकता है तो ये एग्ज़ाम के लिए एक बेटर प्रॉस्पेक्ट हो सकता है. मगर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपका इंटरेस्ट वहाँ पर है, तो उससे भी आप अगर आपका कोई बैकग्राउंड ऐसे तरीके का है तो उससे भी दिया जा सकता है. एक और ट्रेंड देखने में आया पिछले सालों में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, मेडिसिन बैकग्राउंड से आजकल IAS बन रहे हैं, तो उसकी क्या वजह आप मानते हैं? सर मेरा मानना यह है कि बैकग्राउंड का यहाँ ज़्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पर मेहनती बच्चों का लेना देना है. इन जनरल कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मेडिसिन वाले बच्चे आते हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो वही हार्ड वर्किंग ट्रेड्स को जब वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, UPSC आपको सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड कर रही है, यू बी हार्ड वर्कर. तो जो बच्चे ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हैं वो ऑलरेडी अगर इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जो बच्चा हार्डवर्क करेगा मेरे हिसाब से वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है. ऐश्वर्या जी आपको ढेरों शुभकामनाएं इस सफलता के लिए, और मेरे विचार से जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा वो जरूर इंस्पायर होगा कहीं ना कहीं कि वो भी कुछ ऐसा हासिल कर सकता है आने वाले समय में. थैंक यू सो मच. और आप सब ने ये देखा कि कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सफल होने के लिए, जैसा कि ऐश्वर्या जी ने हमें बताया, जैसे डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंटेलिजेंट होना तो बेसिक क्राइटेरिया है इस सभी का. तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फोकस लाना पड़ेगा, बहुत डिटरमाइंड होना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस तो बेसिक इन्ग्रीडियंट है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए. थैंक यू सो मच. और इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ, हम आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम भविष्य में भी लाते रहेंगे. Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.